चालो मुझको मेरा बुरा हाल हो गया, गुलाबी आंखों ने मुझको यूं मरवा दिया। देखते हैं कालू कौवे के साथ ऐसा क्या हुआ। कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज कालू कौवा तैयार हुआ शीशे के सामने खड़ा हुआ था कि इतने में गोरी कौवी आकर कहती है, अरे वाह कालू जी, आप आज इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? आप इतना तैयार तो हमारी शादी पर भी नहीं हुए थे। कहीं कोई नई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? अगर बनाई तो मैं आज तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अरे नहीं, मैं तो तुम्हारे अलावा किसी का सोच भी नहीं सकता। मेरा दोस्त काफी साल बाद अमेरिका से वापस आया है, मैं इससे मिलने जा रहा हूँ। ये कहकर कालू कौवा बाहर चला जाता है और कहता है, अच्छा हुआ गोरी को पता नहीं चला कि मैं तो सुंदरी कवि से मिलने जा रहा हूँ। कहकर कालू कौवा सुंदरी कवि के घर जाता है। जंगल में अभी नई ही आई थी। अरे कालू जी, आप इतना लेट क्यों हो गए? आज मैं सब नौकरों का हिसाब किताब कर रहा था तो पैसे गिनते गिनते देर हो गई। अच्छा, फिर तो आप बहुत अमीर होंगे। हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है मैंने। घर ढूंढ लिया है? हाँ, सही है, तुम किराए की फिक्र मत करना, मैं किराया दे दूंगा। कोई भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता देना। कालू जी, बस आप हर महीने का राशन दिलवा दें, क्योंकि मैं जब भी बाहर राशन लेने जाती हूँ तो दूसरे कौवे मुझे आंख फाड़ फाड़ कर देखते हैं। वही इतनी सुंदर, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम सुंदरी रखा है। फिर अरे फिक्र मत करो, मैं अभी राशन दिलवा देता हूँ। कालू कौवा दुकान से जरूरत का सामान लाकर सुंदरी कवि को दे देता है। ये लो, सुंदरी, सारा जरूरत का सामान ले आया हूँ, ये बात कालू कौवा सोचता है। यही सही मौका है, मैं सुंदरी जी से नंबर ले लेता हूँ। सुंदरी जी, मैं कह रहा था कि अगर आप बुरा मत माने तो आप मुझे अपना नंबर दे दें, ताकि जब आपको कुछ मंगवाना हो तो मुझे पता बता देना, ताकि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। लिखिए 011 33 22। अच्छा सही है, मैं कल आपके लिए क्या लेकर आऊँ सुंदरी जी? कालू जी, आप ऐसा करना कि आते वक्त मेरे लिए बेसन के लड्डू और फेयर लवली और फेस वॉश ले आइएगा। फिर कालू कौवा अपने घर के लिए निकल जाता है। कालू जी, आप आ गए हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। घर में कुछ खाने को नहीं है, खुद तो आप खाना खाकर आ गए हैं। नहीं, गोरी, मेरे दोस्त ने कहा था कि खाना खा लो, मैंने कहा कि मैं तो गोरी के साथ ही खाऊंगा। चलें आपके दोस्त के घर चलते हैं और वहां से खाना खाकर आते हैं। गोरी, घर में सूखे चने पड़े हुए हैं, हम वो ही खा लेते। वो दोनों सूखे चने खा लेते हैं। गोरी कवि सो जाती है तो कवा कालू कवा सुंदरी की याद में गाना गाने लगता है। अपनी आंखें जो मैंने देखी, शराबी ये दिल हो गया, मालूम मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। अगले दिन फिर कालू कौवा तैयार होकर सुंदरी कवि के घर जाने लगता है। कालू जी, आते वक्त मेरे लिए एक समोसा तो ले आना। अच्छा ठीक है, मैं एक की बजाय दो ले आऊंगा। कालू कौवा सुंदरी के घर जा रहा होता है तो रास्ते में टूनी चिड़िया और कबूतरी कौवे को आवाज देती हैं।
ओ कालू, तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? अरे ओ टूनी बहन, मैं सुंदरी कवि के घर जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें कल उसके घर इतना सारा सामान लेकर जाते हुए देखा। हाँ, टूनी बहन, वो बेचारी बेचारी सुंदरी कवि यतीम है और वो इस जंगल में नहीं आई है। उसे इस जंगल के रास्तों का नहीं पता, इसलिए उसने मुझे सामान लाने के लिए पैसे दे दिए थे। तुम इसका जिक्र गौरी से मत करना। अरे मैंने तो कहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, इनको भी टांका झांकी के अलावा कोई काम ही नहीं आता। और फिर कालू कौवा बेसन के लड्डू और फेयर लवली लेकर सुंदरी कवि के पास चला जाता है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू और फेयर लवली क्रीम ले आया हूँ। ऐसे कालू जी, आपका घर कितना बड़ा है? अरे सुंदरी, मेरा घर तुम्हारे घर से 4 गुना भरा है। अच्छा, तो फिर मैं तो आपका घर देखने जरूर आऊंगी। ये सुनकर कालू कौवा डर जाता है और कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो फिर मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवा सोचता है कि मैं मैं इतना बड़ा घर और नौकर कहाँ से लाऊं कि क्यों ना मैं एक किराए पर बड़ा सा घर ले लूं। फिर कालू कौवा एक दिन के लिए किराए पर घर ले लेता है और फिर कालू कौवा अगले दिन तैयार होकर सुंदरी कवि को अपना घर दिखाने के लिए चला जाता है। गौरी कवि कहती है, मैं कालू जी का आज पीछा करती हूँ। पता नहीं ये रोज रोज इतना तैयार होकर कहाँ जाते हैं। गोरी कवि इसका पीछा करने लगती है। वाह कालू जी, आपका घर तो बहुत बड़ा है। आपका कोई नौकर नजर नहीं आ रहा। वो मैंने इन्हें छुट्टी दी हुई है ताकि हमें कोई डिस्टर्ब मत करे। हाँ, इसकी शक्ल तो देखो, इसकी शक्ल तो खुद ही नौकरों जैसी है। अरे कालू जी, ये कौन है? कालू अरे ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ, मैं इसकी बीवी हूँ। जी, आपने तो कहा था कि आपने शादी ही नहीं की। अरे हाँ, क्या? हाँ, मैं तुम बताती हूँ अभी। ये कहकर गोरी कवि और सुंदरी कवि कालू कवे की बहुत पिटाई करती हैं। चालो मुझको मेरा बुरा हाल हो गया, गुलाबी आंखों ने मुझको यूं मरवा दिया।